दोस्तों, हमारी राशि के अनुसार कुछ स्वभावगत विशेषताएं होती हैं। कई बार राशि के अनुसार ही हमारे स्वभाव में कुछ कमियां भी होती हैं। यह कमियां तरक्की की राह में बाधक होती हैं। आइए जानते हैं आपकी कमी क्या है। मेष राशि। मेष राशि के लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जिससे लोगों के साथ इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप सफलता की राह कठिन हो जाती है। वृष राशि के लोगों का अड़ियल स्वभाव होता है। इनके मनमाने स्वभाव के कारण दूसरे बहुत जल्दी खफा हो जाते हैं। इनकी यही दुर्बलता इन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। मिथुन राशि। इस राशि के लोग दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अपने विवेक से काम नहीं लेने पर अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है और प्रगति अवरुद्ध रहती है। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग काफी भावुक हुआ करते हैं। प्रैक्टिकल नहीं होने से प्रगति में अवरोध आता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। बे इंतहा खर्च करते हैं और शॉर्टकट अपनाने में भी नहीं चूकते। इससे भविष्य में पछताना पड़ सकता है। कन्या राशि। स्वभाव से घमंडी होने के कारण दूसरों को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं हैं। इनकी यही हरकतें इनकी प्रगति की राह में रोड़ा बनती है। तुला राशि। तुला राशि के जातक जरूरत से ज्यादा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते हैं। इनकी इसी कमी का फायदा उठाकर लोग इनसे आगे निकल जाते हैं। वृश्चिक राशि। बात बात पर ज्वालामुखी की तरह गुस्से से फूट पड़ना वृश्चिक राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमी होती है। गुस्सा मति को मार देता है, उन्नति की राह में पहाड़ जैसा बाधा बना देता है। धनुराशि। धनुराशि वाले काफी बातूनी होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, जहां करने धरने कुछ भी नहीं रहती। इनका यह बड़बड़ापन ही तरक्की के आड़े आ जाता है। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को यह गलतफहमी होती है कि उनमें कोई कमी नहीं है। इससे वे नई चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करते और उनकी यही कमी इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अपनी बात को लेकर अड़े रहते हैं और झुकने के लिए तैयार नहीं होते। इनकी यही आदत इनके विकास में जहर घोलने का काम करती है। मीन राशि। मीन राशि के लोगों में आत्मविश्वास की कमी रहती है। हौसले की कमी इन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने से रोकती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। फिर से मिलूंगा एक नए अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।